हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर श्याम गुप्ता, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट थर्ड में आपका स्वागत है। लास्ट पार्ट में हमने पानी के बारे में पढ़ा था। आज हम विभिन्न प्रकार कॉन्सेंट्रेशन पढ़ेंगे, जिसमें पहली है मोलरता। देखिए, मोलरता की डेफिनेशन क्या है। मोलरता ये एक लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को बताती है। एक लीटर विलयन, ये याद रखना, विलयन की बात की जा रही है, विलय के मोलों की संख्या। एक लीटर विलयन में विलय के मोलों की संख्या कितनी होगी वो मोलरता के द्वारा बताया जाता है। मोलरता को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट थिंग, मोलरता जो है, फर्स्ट थिंग तो पहले आपको ये पता होना चाहिए विलयन क्या होता है। विलयन देखिए, विलय प्लस विलायक से मिलकर के बनता है। विलय जिसको विलायक के अंदर घोला जाता है, दोनों मिलकर के बनाते हैं विलयन, राइट। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं विलयन की। एक लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। तो मोलरता का फॉर्मूला हो गया विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, राइट। ये विलय होंगे, विलय के मोलों की संख्या, और मोल बराबर होता है ग्राम में मात्रा बटे अनुभार। ग्राम में मात्रा बटे अनुभार विलय मोल होता है, तो यहाँ पर रख दिया ग्राम में मात्रा बटे अनुभार, विलयन का आयतन लीटर में हो जाएगा। अगर आयतन को हमने एमएल में लिखना है तो हजार से ऊपर की तरह मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि अगर एमएल को लीटर में कन्वर्ट करोगे तो आप हजार का भाग लगाओगे तो हजार कहाँ चला जाएगा, ऊपर की तरह। तो ये फाइनल फॉर्मूला है इसका कि ग्राम में मात्रा बटे अणुभार इंटू आयतन, एमएल में हजार हजार ऊपर गुणा कर देंगे लीटर, ठीक है। अगर कहीं पर आपसे कह दे कि 1 m सॉल्यूशन है, कैपिटल एम कोई सॉल्यूशन है, बताइए मीनिंग क्या है इसका। इसका मीनिंग है विलय के एक मोल, एक लीटर विलयन में घुले हुए हैं, विलय के एक मोल एक लीटर विलयन में घुला हुआ है, तो एक बटे एक रखने से वन आ जाएगा। इसी तरह कहीं पर कह दे कि 2 m, तो विलय के दो मोल एक लीटर में 5 m, विलय के पांच मोल, तो आपको मीनिंग पता होना चाहिए इसका, मीनिंग क्या है, राइट। सेकेंड है नॉर्मल का, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल वही है, विलयन एक लीटर विलयन में जहाँ मोलरता में विलय के मोल थे, यहाँ ग्राम तुल्यांकों की संख्या होगी। कि विलय के ग्राम तुल्यांक, घुले हुए विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। फिर ग्राम तुल्यांक बटे आयतन, नॉर्मलता को लिखेंगे ग्राम तुल्यांक बटे आयतन लीटर के अंदर। ग्राम तुल्यांक बराबर होता है ग्राम में मात्रा बटे तुल्यांक। ग्राम तुल्यांक जो है ये बराबर होता है ग्राम में मात्रा बटे तुल्यांक की भार, ठीक है। तो ग्राम मात्रा बटे तुल्यांक की भार रख दिया, तुल्यांक की भार बराबर होता है अणुभार बटे वैलेंसी फैक्टर। ये वैलेंस फैक्टर बताएंगे भी क्या होता है, तो अणुभार बटे वैलेंसी, बटे वैलेंसी फैक्टर रखेंगे तो वैलेंस फैक्टर ऊपर चला जाएगा। तो फॉर्मूला होगा ग्राम मात्रा बटे अणुभार इनटू वैलेंस फैक्टर आयतन लीटर में। अगर एमएल में रखेंगे तो वही जैसे मोलर का होता है हजार से ऊपर गुणा करेंगे, तो फॉर्मूला होगा ग्राम में मात्रा बटे अणुभार इनटू आयतन ऊपर वैलेंस फैक्टर 1000। अभी ग्राम मात्रा बटे अणुभार इनटू वैलेंसी फैक्टर ये आयतन इनटू, ये जो फॉर्मूला है ग्राम मात्रा बटे अणुभार इनटू आयतन, ये मोलरता का फॉर्मूला है। तो ये रख देंगे तो नॉर्मलता बराबर क्या हो जाएगा, मोलरता इनटू वैलेंसी फैक्टर। अगर आपको कहीं पर मोलरता दे रखी हो तो आप वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके इसमें नॉर्मलता निकाल सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मलता मोलरता में ये रिलेशन हो गया मोलरता इनटू वैलेंसी फैक्टर। अगर मोलरता पता है तो वैलेंसी फैक्टर इसलिए निकाला जाता है, निकाल के हमें अगर पुट कर देंगे तो नॉर्मलता निकल जाएगा। तो ये तो मोलरता और नॉर्म दो हो गए जो विलयन के लेवल पर बात करते हैं, विलयन के, ठीक है। नेक्स्ट है, हम पहले देखते हैं वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, कैसे निकालते हैं। इसके लिए आपको कुछ रेडी कुछ कॉम्बिनेशन याद रखना पड़ेगा, जैसे आपने एसिडिक रेडिकल किए होंगे आपके प्रैक्टिकल के अंदर, जैसे NO3 CO3-2 SO4-2 OH- NO2-, SO3-2 CO4-2, ये कुछ याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, वैलेंसी फैक्टर निकालना बताते हैं आपको।
बहुत इजी है, जो आप अभी 10th क्लास तक पढ़ के आएंगे कुछ वही वैसे ही काम आएगा यहाँ पर, 10th क्लास तक आपने पढ़ा होगा। देखिए कैसे मिला, फॉर एग्जाम्पल हमें Na2SO4 का वैलेंसी सेक्टर निकालना है, Na2SO4, जैसा कि मैंने बताया SO4 एक कॉम्बिनेशन है पूरा, तो आप इसको क्या करके ब्रैकेट में डालिए, ठीक है। यहाँ कितना लगा हुआ है, जब कुछ नहीं दिख रहा था इसका मतलब एक, इसको इधर ले जाएं, इसको इधर ले जाएं, क्या होगा Na के ऊपर 1, SO4 के ऊपर 2, ठीक है। SO4 कौन सा चार्ज होता है, अभी आपको बताया ये कॉम्बिनेशन माइनस, तो ऑटोमेटिकली कौन सा होगा प्लस। RNA क्या कहता है कि जो वियोजन होता है वो इलेक्ट्रिकली कैसा होता है, उदासीन, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट उदासीन होता है, लेकिन यहाँ प्लस 1 है माइनस 2 उदासीन नहीं है, जबकि Na की संख्या कितनी है यहाँ पर 2, तो यहाँ 2 रख देंगे, 2 ये माइनस का 2, तो वैलेंसी फैक्टर हो गया 2। पॉजिटिव नेगेटिव से कोई मतलब नहीं है, वैलेंसी फैक्टर के अंदर केवल 2, ठीक है। फैक्टर लेना है हमें, वैलेंसी नहीं फैक्टर लेना है, तो फैक्टर कितना है 2। तो हमेशा इस तरह से फॉर एग्जाम्पल एक और लेते हैं, हम ये लेते हैं ये वाला Al2SO4 का होल, 3 को इधर ले जाना है 2 को इधर लाना है, तो एल्यूमिनियम पर तो आ गया 3, SO4 पर आ गया 2, राइट। SO4 हमें पता है माइनस में होता है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा प्लस में। एल्यूमिनियम की संख्या कितनी है 2, यहाँ 2 रख दी। सल्फेट की संख्या कितनी है 3, यहाँ 3 रख दी, ये प्लस का 6 ये माइनस का 6, तो वैलेंसी फैक्टर जो होगा वो कितना हो गया, ठीक है। फिर ये है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, मैंने आपको बताया ये पूरा ग्रुप होता है कैल्शियम कार्बो, ये कार्बोनेट, ठीक है। यहाँ कितना लगा हुआ है 1, यहाँ पर भी 1, इधर लेके जाओ CA पर 1 आया, CO3 पर 1 आया, लेकिन CO3 का आपको पता है 2 होता है माइनस 2, तो इसको जब दुगुना कर दिया तो ये भी दुगुना हो जाएगा प्लस में, तो दोनों इक्वल है, तो कितना हो गया वैलेंस फैक्टर 2, ठीक है। इसी तरह आप कोई सा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप करके देखिए अपने घर पर, बहुत सारे एग्जाम्पल अवेलेबल हैं, इजीली निकाल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये 3 इधर ले जाएं, यहाँ 1 इधर ले जाएं, तो एल्यूमिनियम पर तो आ गया 1, OH पर आ गया, सॉरी एल्यूमिनियम पर आ गया 3 पर 1, OH का आपको पता है माइनस 1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा प्लस 3, और इसके संख्या कितनी है 3, तो 3 प्लस में माइनस में 3, तो वैलेंसी फैक्टर हो गया 3, क्लियर। तो इस तरह से आप वैलेंसी फैक्टर निकाल सकते हैं, जब वैलेंसी फैक्टर पता लग जाए तो इजी है नॉर्मल का निकालना, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम, तीसरी है, तीसरी टाइप की कॉन्सेंट्रेशन है मोलरता। देखिए अभी तक हमने बात करी नॉर्मलता की, मोलरता की, मोलरता और नॉर्मलता दोनों बात करते हैं विलयन के लिए, एक लीटर विलयन में कितने मोल हैं और कितने ग्राम सोल्ट हैं, लेकिन मोलरता जो है ये एक किलोग्राम विलायक में, मोलर और मोलरता में ये डिफरेंसेस मोल एम से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, मोलरता और मोलरता में एक ही डिफरेंस है, ये एक किलोग्राम विलायक की बात करती है, मोलरता एक लीटर विलयन की करती है, विलय के मोलों की संख्या, काफी सिंपल है, फिर मोलों की संख्या बटे विलायक की मात्रा, किलोग्राम में तो ग्राम में मात्रा बटे मोल को रखा, ग्राम मात्रा बटे मोलिकुलर वेट, अणुभार इंटू विलायक का भार किलोग्राम, सॉरी ग्राम में रखेंगे समझ जाते ऊपर गुणा कर देंगे, तो सिंपल वही फॉर्मूला है, लेकिन बस यहाँ विलायक का भार है, क्लियर। 10 ग्राम एनए की मोलरता ज्ञात कीजिए यदि उसका आयतन 500 एम है, मोलरता का फॉर्मूला क्या है, ग्राम में मात्रा बटे अणुभार इंटू आयतन इंटू, अगर आयतन एम एल में रखेंगे तो ज्ञात ऊपर गुणा कर देंगे, ग्राम में मात्रा आपको 10 दे रखी है, एनए का अणुभार आपको निकालना आना चाहिए, एन ए का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, टोटल हो गया 40, 500 ml दे रखा है, 500 × 1000, ये 2 × 0.5 कैपिटल एम, ठीक है। इसी तरह जैसे कुछ क्वेश्चन और कराते हैं आपको, एक दो क्वेश्चन करवाते हैं देखते हैं, जैसे आपको कोई चाहिए
इसी जैसे यही क्वेश्चन था अभी, इसकी नॉर्मलता निकालिए। क्वेश्चन है 10 ग्राम NaOH की नॉर्मलता। तो N बराबर क्या होता है, ग्राम में मात्रा बटे अणु भार इंटू आयतन, अगर ml में है आप 1000 से ऊपर गुणा कर देंगे, इंटू बैलेंसी फैक्टर। 10 ग्राम दे रखा है, अणु भार 40 है, आयतन 500 ml था, 1000, और NaOH का बैलेंसी फैक्टर 1 होता है। तो 5 से 2 बार कट गया, और फिर 2 भी, यानी कि वही पॉइंट है। क्लियर। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आ गए, एक लीटर, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है आपके पास 10 ग्राम NaOH को 1 लीटर पानी में घोलकर विलयन बनाया गया। आपको मोल अल्फा निकालना, आपको मोल अल्फा कैलकुलेट कर दो। मोल एन बराबर आपको भी फॉर्मूला बता रहा, ग्राम में मात्रा बटे अणु भार इंटू विलायक का भार। अगर ये ग्राम में है आप ऊपर गए तक गुणा कर देंगे, 1000। मेन थिंग मेन चीज वही है। अब विलायक क्या होता है, क्या आपको अच्छे से पता है, विलायक वो होता है जिसमें विलेय को घोला जाता है। क्वेश्चन पढ़िए, जैसे 10 ग्राम NaOH, यानी NaOH क्या है, विलेय, 1 लीटर पानी में घोलकर, यानी पानी विलायक है, तो विलायक का आयतन दे रखा है कितना, 1000 ml। 1 लीटर का मतलब 1000 ml, भार नहीं है, लेकिन पानी का है उसका घनत्व हमेशा याद रखते हैं आप। अब कैसे कहेंगे, देखिए भार कैसे निकालेंगे, इसका पानी का घनत्व 1 ग्राम पर ml, यानी 1 ml का वेट भार कितना होता है, मतलब क्या इसका 1 ml का भार कितना हुआ, 1 ग्राम। तो 1000 ml का कितना हुआ, 1000 ग्राम। पता लग गया पानी का, वैसे तो एग्जैक्ट न्यूमेरिकल के लिए हम 1 ग्राम यूज कर सकते हैं, जैसे 0.9 होता है, ठीक है, लेकिन हम एनिमल के लिए 1 ग्राम पर ml यूज करें आप, 1000 ग्राम हो गया, 1000 ml का यानी वेट आ गया हमारे पास पानी का इतना है। फिर तो सिंपल है, कुछ भी नहीं, आप सिंपली 10 / 40 इंटू 1000 ग्राम में इंटू 1000 सिंपली आप सोल्व करेंगे, 0.25 स्मॉल एन स्मॉल अल्फा है। तो इस तरह से आप इसकी मोल अल्फा निकाल सकते हैं। इसी तरह से एक क्वेश्चन और है, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, उसी में मिस्टेक कर देते हैं बच्चे। सेम मैं इसी क्वेश्चन को दोहरा रहा हूँ आपके सामने, पहले क्लियर कर देते हैं। टेन ग्राम NaOH को, अब ये 1 लीटर की जगह लिखा हुआ है, पानी में घोलकर 1010 ml विलयन बनाया है, मोल अल्फा ज्ञात की। अगेन मोल अल्फा पूछा आपसे, अब आपको 1010 ml विलयन दे रखा है, ना कि विलायक। अगर आप आपके मोल अल्फा निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, विलायक। तो क्वेश्चन में आपको घनत्व दे रखा है, डी हो रहा है विलयन का घनत्व जैसा 1 ग्राम पर ml, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है डी बराबर 1 ग्राम पर ml। तो पहले आपको क्या करना पड़ता है, विलयन का भाव निकालना, घनत्व बराबर क्या होता है, डी बराबर m / v,
मास बटे वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन। तो यहाँ से मास एम बराबर क्या हो जाएगा, डी इंटू वी, ठीक है। एम बराबर हो गया, डी तो दे रखा है 1 और 1010 दे रखा आपको वॉल्यूम, तो 1010 ग्राम हो गया, ये बिलियन का भार हो गया। और बिलियन बराबर क्या होता है, विलय प्लस विलायक, और हमें क्या निकालना है, इस विलायक का भार, ये तो हो गया 1010, ये आपको विलय दे रखा 10 ग्राम, विलायक आपको निकालना है, तो विलायक में कोई 1010 में से घटाओगे कितना आ जाएगा 1000 ग्राम। तो सिंपल 10 मोलर का बराबर होता है ग्राम में मात्रा, अनुभार 40, विलय का भार 1000, ग्राम में 1000 से ऊपर बना कर देना, तो वही 0.25 मोलर का आंसर आ जाएगा। इस तरह से एक दो टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, आप सोल्व करिए, किताब में देखिए, फिर मैं कल देखेंगे इजीली सोल्व हो जाएंगे जो बताई गई है इसको, अगर आपने अच्छे से वीडियो को देखा है कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 4 पर आएंगे, जिसके अंदर हम पीएच की बात करेंगे। थैंक यू।